बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट एंड सिंपल कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम घर में बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने लगे हैं। हर बच्चे हर बड़े को प्यारी ही अच्छी लगती है, हर दिल अजीज़ है। आज हम बना रहे हैं पकौड़ा फ्राइज़ बना रहे हैं। हम पकौड़ा स्टाइल फ्राइज़ कह लें, लच्छादार पोटैटो फ्राइज़ बना रहे हैं। फ्राइज़ हम बना रहे हैं, गोलू मोलू फ्राइज़ हम बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी बनती है। हमने हाफ के जी लिए हैं पोटैटो, हमने लिए हैं आलू, उन्हें हम कट कर लेंगे। हमने ब्रिक ब्रिक कट करना है। पहले देखें, हमने लंबे स्लाइसेस में कट कर लिए, फिर हम और भी ब्रिक कर लेंगे, कट कर लेंगे। वो देखें जो हमने लिए हैं, वो हमने बाउल में डाले हैं, वो देखिए इस तरह हम ब्रिक ब्रिक कट कर लेंगे। अब हम देखें, पहले हमने दूसरी तरह कट कर लिया, अब हम इनको और भी ब्रिक कर लेंगे। आपने भी इतने ही ब्रिक करने हैं। ये देखें, इस तरह करके हम सारे स्लाइसिस कर लेंगे। ये देखें, बहुत ही मज़े की बनती है और हर किसी को ये पसंद होती है फ्राइज़। हम आपसे अभी पराठों कट करने के बाद मिलते हैं। सो, हमारे पराठों अच्छे से कट चुके हैं। बाकी हम स्पाइसेस के अंदर ऐड करते हैं। हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून। हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। साल्ट नमक इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये देखें, नमक हमने ऐड कर दिया। चाट मसाला 1 टीस्पून। चाट मसाला ऑप्शनल है, क्योंकि अगर बच्चे नहीं भी खाते तो कम स्पाइसी हो, तो इस वजह से। हल्दी हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी। अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, वाटर 1/2 कप पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि आलू के पास खुद भी पानी होता है, आलू खुद पानी रिलीज करते हैं। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सब कुछ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमने कढ़ाई में ऑयल डाला है, वो गर्म हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल लेंगे ये फ्राइज, हम ऐड कर लेंगे गोलू मोलू फ्राइज। ये देखें, इस तरह फ्राइज ऐड कर लेंगे। फ्राइज हमने डालनी है, 2 से 3 मिनट के अंदर अच्छे से पक जाएंगे। जब गोल्डन सा कलर आ जाए हम इन्हें निकाल लेंगे, ज़्यादा हिलाना नहीं है। एक साइड का जब कलर आ जाए तो इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। बहुत ही मज़े की बनेगी फ्राइज हमारी। ये देखें, जो हमने पहले डाले थे वो हमने निकाल लिए। कितने प्यारे लच्छे बने, कितना प्यारा ब्राउन कलर आया है। इसी तरह हमने देखिए दूसरे डाले हुए हैं, इनका भी जैसे ही ब्राउन कलर आएगा हम निकाल लेंगे। लाइट गोल्डन सा कलर आएगा तो हम निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ही रेडी हो जाते हैं। देखिए, हमारा ब्राउन गोल्डन से शेड आ गया, हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह जब प्यारा सा कलर आ जाए गोल्डन तो निकाल लेंगे। सो गाइज, ये देखें हमारी फ्राइज़ रेडी हैं, लच्छेदार फ्राइज़। बहुत ही मज़े की बनी है, हर दिल अजीज़ है, हर कोई बड़ा बूढ़ा हर कोई खाता है। बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की बनी है। ये देखें आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ये देखें, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। आप इसे चाट मसाले के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। चाट मसाला वैसे हमने अंदर भी डाला था, कोई और तीखी खानी चाहे तो ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला ऊपर छिड़ के खाएं, केचप के साथ खाएं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।